राजद के बाहुबली नेता अनंत सिंह को सजा के ऐलान के बाद यह तो साफ हो गया है कि उनकी विधायकी जा सकती है, बशर्ते हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर न मिले। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है और जन प्रतिनिधित्व कानून के आधार पर भी यह साफ हो जाता है कि 2 वर्ष से अधिक सजा पर किसी भी जन प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द की जाती है और तो और वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मोकामा से 5 बार के विधायक रह चुके अनंत सिंह की विधायकी चल जाएगी तो उनके जगह पर जनता की पहली पसंद कौन होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद यह 4वां उपचुनाव होगा और इससे पहले हुए 3 उपचुनाव की तस्वीर तो आप सभी ने देखी, किस तरह से एक सीट के लिए गठबंधन तक टूट गए। यानी महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद हो गए और जो अभी तक चल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बिहार एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बोचहा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार कर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से बदला लिया था। हालांकि सहनी ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार कर मुकाबला बिल्कुल त्रिकोणीय कर दिया था और नतीजे भी बिल्कुल वैसे ही देखने मिले। हालांकि राजद भारी मतों से जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। अब यदि बात करें मोकामा विधानसभा में होने वाले संभावित उपचुनाव के बारे में तो सभी गठबंधन के मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि चुनावी मैदान में कई उम्मीदवार देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करें राजद की तो पार्टी किसी भी हाल में यह सीट खोना नहीं चाहेगी और सभा में दल के विधायकों की संख्या 76 से कम नहीं होने देना चाहेगी। दूसरी बात यह भी है, अनंत सिंह राजद की ओर से इकलौते भूमिहार विधायक थे। हालांकि चुनाव में पार्टी ने मात्र अनंत सिंह के अलावा किसी अन्य भूमिहार को टिकट भी नहीं दिया था। खैर जो भी बात हो, नेता प्रतिपक्ष बीते दिनों से राजद की छवि सुधारने में लगे हुए थे। पार्टी एमवाई समीकरण से भूमाई समीकरण की ओर बढ़ चला है। ए टू जेड की बात की जा रही थी, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भूमिहार एकता मंच से किसी कार्यक्रम में सवर्णों से माफ़ी मांग तक मांगते दिखे और भूमिहारों को राजद के साथ देने की बात कर रहे थे। लेकिन अब राजद के इकलौते भूमिहार विधायक ही अपनी सदस्यता खो चुके हैं तो पार्टी की पूरी ताकत लगा देगी इस चुनाव को जीतने में। जहाँ तक बात है राजद की ओर से उम्मीदवारी की तो अंदर खाने से खबर है कि अनंत सिंह पत्नी नीलम देवी के राजद के टिकट पर चुनाव मैदान में दिख सकती है। वहीं दूसरी बात करें एनडीए की तो 2020 के चुनाव में मोकामा सीट से जदयू प्रत्याशी राजीव लोचन नारायण सिंह चुनावी मैदान में थे, जिन्हें कुल 42,964 वोट मिले थे। हालांकि हार जीत का फासला बहुत अधिक था। राजीव लोचन सिंह को अंतिम वक्त में टिकट दिया गया जिस कारण जदयू के कई कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। दरअसल मोकामा सीट से जदयू की ओर से नलनी रंजन उर्फ ललन सिंह को टिकट दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, पर अहम वक्त पर ललन सिंह के टिकट काटे जाने पर जदयू को नुकसान झेलना पड़ा था। बीते कुछ दिनों से जदयू भाजपा के बीच भी रिश्ते ठीक नहीं हैं और कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी भी इस सीट पर अपने दावेदारी पेश कर दे। अब अगर बात करेंगे अन्य दलों की तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी इस सीट पर दावेदारी पेश कर सकते हैं। साथ ही लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी चाहेंगे कि इस सीट पर जीत कर विधानसभा में अपने दल का खाता खोलें। हालांकि बीते चुनाव में लोजपा की ओर से सुरेश सिंह निषाद मैदान में थे, जिन्हें कुल 13,331 मत मिले थे। इससे यह साबित होता है कि इस क्षेत्र में निषादों की संख्या अधिक है और कहीं ना कहीं खुद को सन ऑफ मल्ला बताने वाले मुकेश सहनी भी इसी वोट बैंक को एकजुट करने में रणनीति में लग चुके हैं। अगर आप भूल गए तो याद दिला दें कि बीते कुछ दिनों उपचुनाव में इस बार MLC इलेक्शन में कांग्रेस भी चुनावी मैदान में थी और अब कहीं न कहीं कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है और इसकी संभावना भी तेज है। कांग्रेस अपने किसी मजबूत उम्मीदवार को मोकामा उपचुनाव में उतार सकती है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उपचुनाव पहले सभी उपचुनाव को खास होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आम चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और तो और इस चुनाव में कई बातें साफ हो जाएगी, जैसे भूमिहार का राजद पर विश्वास, जदयू की पारंपरिक सीट की वापसी, सन ऑफ मल्ला की राजनीतिक सूझबूझ,
चिराग की सियासत में अभी कितनी आग और कांग्रेस का बिहार में भविष्य, इन सभी सवालों के जवाब इस उपचुनाव के नतीजे से साफ हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।